सभी का कल तक मुंबई में स्वागत है। आज हम आए हैं जहांगीर आर्ट गैलरी में, जहां आप देख सकते हैं तरह तरह की पेंटिंग दर्शाई गई है। आज इस पेंटिंग को हम एक एक आर्टिस्ट से पूछेंगे इस पेंटिंग का मतलब क्या है। मेरा नाम तुषार सुधाकर चव्हाण है। आप इस पेंटिंग कब से कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल के बारे में? मैं पेंटिंग बचपन से ही करते आ रहा हूँ, मुझे बचपन से ही पेंटिंग करने की बहुत खूबी है। मैं 10th के बाद JJ स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, ये जो कमर्शियल आर्ट है उसमें 5 ईयर डिग्री कोर्स है। मैं 2001 में पास आउट हुआ हूँ। 2001 में पास आउट होने के बाद फिर मैं जॉब करने लगा ग्राफिक फील्ड में ही। यूट्यूब में था इंडिया गेम्स और कोई अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब किया, लेकिन ऐसे हुआ कि जॉब करते करते मुझे पेंटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो मेरा बीच में बहुत गैप हुआ। फिर लगता था कि पेंटिंग करने चाहिए, लेकिन ऑफिस के काम के वजह से ओवरलोड से पेंटिंग नहीं करता था। फिर डिसाइड किया कुछ भी करके टाइम निकाल के पेंटिंग्स करने ही है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पेंटिंग्स करना वापस स्टार्ट किया हूँ। तो पेंटिंग करते करते मुझे एक फ्रेंड ने बोला, ये जो अपने क्यूरेटर है श्याम जी, उनका नंबर दिया, तो उन्होंने मुझे पहले सिमरोजा आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन हुआ, फिर वहाँ पे मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी, फिर जहांगीर का प्लेटफॉर्म मिला, तो जहांगीर के लिए पूछा, तो मैंने मेरे कोई पेंटिंग्स है यहाँ पे लगाए। तो क्या आपको ये कब से शौक है पेंटिंग? पेंटिंग्स का शौक तो मुझे बचपन से है। ओके। क्योंकि मैं जब भी स्कूल टाइम में था, तभी भी मैं 7th में था, तभी मैंने कृष्णा का पेंटिंग बनाया था और तभी मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट आया था वो पेंटिंग के लिए। तब से मैं पेंटिंग करने लगा और फिर JJ स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया और पेंटिंग करते ही आया। तो और पेंटिंग सोच समझ के बनाते कि जो आया इमेज करे बना लिया? सोच समझ के बनाता हूँ। जैसे ये पेंटिंग है, ये मैं ऑफिस जाते जाते एक शिवजी का मंदिर मुझे हमेशा दिखता था, वो मुझे मंदिर पसंद आता था, तो मंदिर में जाके मैंने स्टडी किया वो मंदिर का, मंदिर में जाके स्केचेस किए और फिर घर आके वो स्केचेस करके फिर मैंने मेरा लेआउट किया। जैसे वो मंदिर में ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है वैसे कोई नहीं है वहाँ पे, जो हाईवे है, तो ये मंदिर पुराने ज़माने में कैसे रहेगा, कितना पीसफुल रहेगा, वो मैंने सोचा और फिर वो हिसाब से मैंने इमेजिनेशन से ये पेंटिंग बनाया, फिर स्केच करके मैंने कंपोज किया। आप पेंटिंग किस तरह से बनाते हैं? थीम ऐसे भगवान की थीम ऐसे वैसा कुछ नहीं है, वैसे कुछ सोचा नहीं था। जैसे ये मुझे पेंटिंग देख के मुझे पीसफुल लगे, जो सनराइज़ है, सनराइज़ ऑफ ब्लेसिंग, ये पेंटिंग का सब्जेक्ट दिया था, तो वो सोच के किया था। ऐसे नहीं, नेचर पेंटिंग्स मुझे अच्छे लगते हैं, या मैं पोर्ट्रेट्स भी करता हूँ। जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे मार्केट में किसी को पोर्ट्रेट्स चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो कोई भी स्टाइल का हो मैं पेंटिंग्स करता हूँ। मेरा नाम है परीना फर्नांडिस और यहाँ पे मेरा सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिला है जहांगीर में आने का, तो सबसे पहले सबको, आई मीन मेरे जो भी क्यूरेटर्स हैं उनको थैंक यू, और मेरे को ये इंट्रोड्यूस करने का है मेरा पेंटिंग्स। और यहाँ पे मैंने जो किया है, मैंने सिर्फ पैलेट नाइफ यूज़ किया है, मैंने ब्रश से काम नहीं किया है। मेरा जो पेंटिंग का स्टाइल है वो सब पैलेट नाइफ्स का काम है, जो हम नॉर्मली मिक्स करने को यूज़ करते हैं पेंटिंग्स, उससे हम लोग ने मैंने ये काम किया है। इसलिए आप देखेंगे ये कलर्स एकदम विविड कलर्स है, एकदम यहाँ पैलेट नाइफ पे हम सीधा कैनवस पे मिक्सिंग करते हैं, उसको पैलेट पे नहीं मिक्स करते, उसको सिर्फ ऑन योर कैनवस आप मिक्स करते हो, तो इसीलिए वो कलर्स ब्राइट और एकदम बिना डाइल्यूशन के होता है। आप उसमें टर्पेंटाइन या डाइल्यूटिंग मीडियम नहीं यूज़ करते हो। तो ये सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिला है ये डिस्प्ले करने को, एग्जिबिट करने को, तो इट्स वेरी गुड। और आई पेंटिंग मेरा पैशन है, मैंने इसको एकदम ऑलमोस्ट 10 साल से चालू किया है करना, और कोशिश यही है कि और अच्छा करूं। और आई नॉर्मली जो मैं फॉलो करती हूँ वो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, आपने नाम सुना होगा गणेश पांडा जी, वो मेरे मेंटर रह चुके हैं और एक
बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है, लैंडमार्क लैंडस्केप पेंटिंग्स करते हैं, उनसे मैंने सीखा है और उनको बहुत थैंक यू। और मैंने ऑल्सो मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी फॉलो करती हूँ। एक आर्टिस्ट है, उनका नाम है जॉर्जी पेट्रोफ, वो बल्गेरिया के आर्टिस्ट है, और उनको मैं बहुत उनका कलर मिक्सिंग, उनका पैलेट वो मैं देखती हूँ और वो फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने खुद अपना स्टाइल उनको उनसे सीख के भी किया है, और आगे कोशिश यही है कि और अच्छा और बड़ा पेंटिंग्स करूँ, जो यू नो इट कैन बी डिस्प्लेड इन होटल्स। एंड एक्चुअली मेरा एम यही है कि मैंने जब पेंटिंग चालू किया तो मैंने हमेशा यही सोचा कि एवरी आर्ट शुड बी अफोर्डेबल, आर्ट सबके पास होना चाहिए, ना कि सिर्फ जो जिनके पास पैसा हो। और मैंने इसी कोशिश से पेंटिंग्स चालू किया है 10 साल पहले जब मैंने चालू किया, तो मैंने मेरी यही इच्छा है कि एवरी हाउस इन इंडिया शुड हैव आर्ट, सबके घर में आर्ट हो और एवरीबडी शुड बी इंस्पायर्ड बाय आर्ट, सबको इंस्पिरेशन मिले आर्ट से, तो यही मेरी इच्छा है। मेरा नाम विजय किरण है, मुझे बचपन से पेंटिंग पसंद है, लेकिन मेरा उधर ना इतना आर्ट स्कूल्स नहीं था, इसीलिए मैं उधर नहीं कर सकती थी। हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इधर आने के बाद आफ्टर मैरिज आई केम हियर, इधर आने के बाद इतना सारा आर्ट स्कूल्स है और मुझे लगा कुछ करना है। मेरा हस्बैंड भी एंकरेज किया था, मैं SNDT में पहले MA में ज्वाइन की, MA फाइन आर्ट किया, बाद में MBA की विथ पोर्ट्रेचर स्पेशलाइजेशन। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रोफेशन, आई एम डूइंग पेंटिंग रेगुलरली, अभी इसमें डिस्प्ले किया था। जहांगीर आर्ट गैलरी में पहली बार है, बट बाहर किया था मैं पहले में नेहरू सेंटर में किया था और सिमरोजा में किया था, और एक आर्ट गेट है ना चर्च गेट का सामने, उधर भी किया था। आर्टिस्ट को फॉलो करते हो जहाँ? मैं किसी को भी नहीं फॉलो कर रही हूँ, मैं आई डेवलप्ड माय ओन स्टाइल। एक्चुअली पहले मैं पिकॉक्स का करती थी ना, वो मतलब पिकॉक्स मुझे पसंद होता था, उसका कलर्स वो टेक्सचर्स मुझे किया था, लेकिन ये रिलेटेड टू माय ओन लाइफ, एक वुमन इज ए मदर, सो ये सब मुझे पसंद आ रहे। आई लव गार्डनिंग, आई लव चिल्ड्रन, आई लव कलर्स, सो वो सब मेरा पेंटिंग्स में है। मेरा नाम स्वप्नाली मांडके, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए एनिमेटर। और मेरी पेपर की जो पैशन है वो बचपन से ही थी। जब मैं स्कूल में थी तभी मुझे आर्ट और क्राफ्ट का थोड़ा हॉबी था, तो बाद में फिर मैंने सोचा क्या क्यों नहीं हम पेंटिंग तो सब ब्रश से करते हैं, लेकिन क्यों नहीं कुछ अलग मीडियम यूज़ करें। इसलिए मैंने पेपर ट्राई आउट किया, जो ये पेपर क्विलिंग है ये सब पेपर से किया हुआ है। और भी मैं करना चाहती हूँ इसमें। पहली बार है? मेरा सिमरोजा में एक एग्जीबिशन हुआ इसी लास्ट वीक में, और ये जहांगीर का है, जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जहांगीर में द मोस्ट फाइनेस्ट शोकेस करने का गैलरी में, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इंडिया फिएस्टा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैंने बहुत सारे क्विलिंग पेपर क्विलिंग के यूट्यूब्स और इसमें देखे हैं, लेकिन मैंने मेरा अलग स्टाइल क्रिएट किया और मैंने अलग स्टाइल से वो बनाया है। मैंने ये खुद ही सीखा, मैंने लाइक सेल्फ लर्नड आर्टिस्ट, सो मैंने अलग मेरा एक थोड़ा उसमें डाल के मैंने बनाया। क्या कोई थीम रहे कि बनाने का ये थीम रहे कि जो
जो मैं चाहे वो बनाती हूँ। हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है पिक्चर्स वो मैं बनाती हूँ। लाइक उसके पहले पिक्चर्स सिलेक्ट करने के बाद मैं सोचती हूँ कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, तो कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, कलर स्कीम क्या होना चाहिए, और उस बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ, प्री प्लान करके स्टार्ट करती हूँ। इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे? ऑफ कोर्स मैं कंटिन्यू करूँगी।